हेलो एवरीवन, क्या आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में DDO यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल मैटर के साथ किसी तरह भी रिलेटेड है, यानी क्या आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 ऑफिसर है या क्या आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के फैब्स यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बजटिंग सिस्टम के वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे। फैब्स हमें अपने डिपार्टमेंट के बजट और अकाउंट के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से हम अपने डिपार्टमेंट के बजट और बजट से होने वाली अखराजात की प्रोग्रेसिव तफसीलात और बैलेंस के बारे में जान सकते हैं। हमारे वो बिल्स जो AG ऑफिस में पेंडिंग है उनके स्टेटस के बारे में भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मुलाजिम का वेंडर नंबर मालूम कर सकते हैं और ADP के बारे में भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो फैब्स की वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए आप पहले गूगल को ब्राउज करें, ठीक है। गूगल जब ओपन हो जाता है तो आप सर्च बॉक्स में फैब्स CGA टाइप करें। फैब्स का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बजटिंग सिस्टम और CGA का मतलब है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान। तो ये टाइप करके मैं इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। ये मुझे फैब्स का वेबसाइट सर्च करके बताता है। अगर मैं इस सर्च रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ तो फैब्स का ये वेबसाइट ओपन हो जाता है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मैं फैब्स की सर्विसेज मेन्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सर्विसेज है जो फैब्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। सपोज़ हम चाहते कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम है, वो उनका ईमेल हम सब्सक्राइब करें CGA के साथ, ताकि उनको हर महीने सैलरी स्लिप ईमेल के थ्रू रिसीव हो। या सपोज़ उन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन उनकी ईमेल एड्रेस में कोई गलती है जिसकी वजह से उनको ईमेल के थ्रू सैलरी स्लिप रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसलाह के लिए और सब्सक्रिप्शन और अनसब्सक्रिप्शन के लिए हम ऑनलाइन सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप की सर्विस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में सबसे पहले हमने गवर्नमेंट के खाने में मुतल्लिका गवर्नमेंट का कोड देना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कोड्स के बारे में तफसीलात फराहम की गई है। फेडरल गवर्नमेंट का जो कोड है वो F है, KP गवर्नमेंट का N, सिंध का S, बलूचिस्तान का B, पंजाब का P, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पंजाब का DGP, कश्मीर का K, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट KP का DGN, कश्मीर का यहाँ पे उन्होंने दोबारा दिया है, गिलगित बल्तिस्तान का GB और गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का GBC और कश्मीर का C, ये उनके कोड है। तो सपोज़ हमारा जो मुलाजिम है जिनका ईमेल हमने सब्सक्राइब करना है या जिसके ईमेल एड्रेस में हमने करेक्शन करनी है, ठीक है, तो वो KP गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में मैं N टाइप करूँगा क्योंकि KP का कोड N है। यहाँ पे एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर लिखूँगा, ठीक है। हर एम्प्लॉय का एक पर्सनल नंबर होता है। सपोज़ वो पर्सनल नंबर है 3645 58, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का CNIC हम देंगे, ठीक है, लेकिन विदाउट स्पेसेस और विदाउट एनी डैश, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ ईमेल NIC नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ इंटर करूँगा, पहले डेट दूंगा, फिर मंथ और फिर ईयर और विदाउट स्पेसेस और डैश। तो सपोज़ 15 जनवरी 1980, ये डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मैं सेल नंबर दूंगा, सपोज़ सेल नंबर ये है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यानी अपनी दी हुई मालूमात की तस्दीक के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये मुझे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस ईमेल एड्रेस HAFREEDY, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इस पर्सनल नंबर के लिए रजिस्टर्ड है और इस पर उनको हर महीने सैलरी स्लिप रिसीव हो रही है। सपोज ये ईमेल हम हटाना चाहते, कोई नया ईमेल देना चाहते, किसी और ईमेल एड्रेस के साथ हम सब्सक्राइब करना चाहते थे, तो सबसे पहले हम इस ईमेल को अनसब्सक्राइब करेंगे। अनसब्सक्राइब करने के लिए हम इस ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल भेजेंगे, ठीक है, यानी unsubscribe@pepra.gov.pk, ठीक है। इसके अलावा सपोज़ अगर कोई एम्प्लॉय है उसके अपने कुछ ज़ाती बिल है वो AG ऑफिस में पेंडिंग है, तो उसकी स्टेटस जानने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर अब आप अपने अकाउंट में जमा किए गए
बिल्स का स्टेटस मालूम करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं बिल का टोकन नंबर इंटर करूँगा, ठीक है। जब मैं इंटर करूँगा तो इसी तरह मैं अपने बिल के स्टेटस के बारे में जान सकता हूँ कि ये कौन से स्टेज में है, अप्रूवल स्टेज में है या ये अप्रूवल हो गई है अभी प्रिंटिंग स्टेज में है, ठीक है, कौन सी स्टेज में है, चिक का क्या स्टेटस है। तो ये सारी स्टेटस हम यहाँ से फिर जान सकते हैं अपने बिल के बारे में। अब हम इसको क्लोज करते हैं और फेब्स की दीगर सर्विसेज के बारे में मुख्तसरन जानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस विंडो को भी मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये दोबारा मैं फेब्स की सर्विसेज मेन्यू में आ गया। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बजट की एग्जीक्यूशन समरी देख लूँ, ठीक है, यानी कितना बजट मेरे डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट हुआ था, कितना रिलीज़ हुआ था, उसमें से एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं और अभी बैलेंस कितना है, ठीक है। तो ये सब मालूम हासिल करने के लिए मैं बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट की सर्विस पर क्लिक करता हूँ। एक नई विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिस्कल ईयर इंटर करूँगा। फिस्कल ईयर का ये याद रखें कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी हम जब भी फिस्कल ईयर का जिक्र करते हैं तो हम इस तरह कहते हैं फिस्कल ईयर 2022-23, 2023-24, ठीक है। तो अगर हमने 2022-23 का एंटर करना हो तो फिर हम 2022 लिखेंगे। अगर हमने फिस्कल ईयर 2023-24 के बजट के बारे में मालूमात हासिल करना हो तो फिर हम 2023 यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो हम 2022-23 के बजट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 2022, ठीक है। गवर्नमेंट के कोड में मैं इंटर करूंगा इन, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के बजट के बारे में मुझे मालूमात लेनी है वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का फिर एक DDO कोड होता है, तो यहाँ पे मैं वो DDO कोड इंटर करता हूँ। सपोज़ मेरे डिपार्टमेंट का जो DDO कोड है वो है 8038 PR, मतलब पेशावर, ठीक है। फिर मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। जब मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लासिफाइड फॉर्म में मुझे बजट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मेरी डिपार्टमेंट के जिन जिन ऑब्जेक्ट में बजट एलोकेट किया गया है उन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल है, ठीक है। मसलन सब्सिडी अलाउंस, रिलीफ अलाउंस, ठीक है, इसी तरह वाटर चार्जेस, CNG चार्जेस, हार्डवेयर, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है। फिर ओरिजिनल बजट इन ऑब्जेक्ट के तहत कितना एलोकेट हुआ था वो मुझे इस कॉलम में ये दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनल बजट कितना था, फाइनल ग्रांट उसका कितना था, फिर इस ओरिजिनल बजट में से रिलीज बजट कितना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4,00,000 रुपए थे लेकिन इसमें से जो रिलीज बजट था ये सिर्फ 4,000 रुपए, ठीक है। इसमें से एक्सपेंडिचर कितने हुए, फिर वो ये कॉलम मुझे दिखाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए 4,000 के रिलीज बजट में 3,350 रुपये के एक्सपेंडिचर हुए थे, ठीक है। बैलेंस इसमें से कितना रह जाता है वो भी मुझे इस कॉलम में दिखाता है, ठीक है। फाइनल बजट का बैलेंस कितना है और मतलब ये कि इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, यहाँ पे ये भी मुझे डिस्प्ले कर रहा है। ये जो PR 8038 का DDO कोड है ये अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पेशावर का। अब हम इसको क्लोज करते हैं और फेब्स की कुछ और सर्विसेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा, ठीक है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट की किसी मुलाजिम का वेंडर नंबर मालूम करूँ, ठीक है। तो मैं वेंडर इंफॉर्मेशन की सर्विस पर क्लिक करूँगा, एक नई विंडो अपीयर होगी। तो गवर्नमेंट में मैं मुतालिक गवर्नमेंट का कोड दूंगा, तो सपोज़ ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट का है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा N, ठीक है। फिर यहाँ पे मुतालिक मुलाजिम का CNIC नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। अगर कोई ये कंपनी है उनका वेंडर नंबर जाना है तो फिर उनका NTN या STN नंबर आप दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CNIC नंबर इंटर करता हूँ विदाउट डैशेज और स्पेसेस, ठीक है। ये इंटर करने के बाद मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए ये वेंडर नंबर, वेंडर की मुतलिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। यानी वेंडर नंबर ये है, वेंडर का नाम नेम जो है वो ये है, एक ABL के अकाउंट के साथ वेंडर नंबर रिलेटेड है और दूसरा HBL के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी तरह हम वेंडर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल। अब हम कुछ और सर्विसेज के बारे में जानते हैं। सपोज़ हम ये जानना चाहते हैं कि हमने AG ऑफिस में जो बिल सबमिट किए उनकी स्टेटस क्या है, क्या वो अप्रूवल प्रोसेस में है या अप्रूव हो गए हैं, वो चिक के प्रिंटिंग के लिए गए हैं या चेक भी प्रिंट हो गया है और तैयार है। तो बिल को ट्रैक करने के लिए आप बिल ट्रैकिंग सिस्टम पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप बिल का टोकन नंबर इंसर्ट करें, ठीक है। तो फिर ये आपको बिल स्टेटस अपडेट करके बताएगा, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हम अपने डेवलपमेंट बजट की स्कीम
के बारे में जानना चाहे, स्कीम वाइज बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट हासिल करना चाहे, ठीक है, अपने एडीपी का, तो फिर हम स्कीम वाइज बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर जब क्लिक करते तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ गवर्नमेंट में हम एन टाइप करेंगे गवर्नमेंट के बॉक्स में, और यहाँ पर हम एडीपी का नंबर देंगे, एडीपी का नंबर जो बजट बुक में रिफ्लेक्ट होता है, और हर प्रोजेक्ट की एक आईडी भी होती है, आप उस प्रोजेक्ट का आईडी भी दे दें और एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, तो ये आपको उस स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि इसकी इसका रिलीज बजट कितना है और इसके एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं और कौन कौन सी डेट को हुई है, ठीक है। ये आपको क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह व्यूअर्स, हम ये दीगर जो सर्विसेज हैं इनको भी चेक कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ एंड एजुकेशन डैशबोर्ड है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ एंड एजुकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और ये हम एक्सेल फॉर्मेट में फिर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये हमें पीएचडीपी एग्जीक्यूशन रिपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक एक ऑप्शन को आप देख लें, ठीक है, और इसको समझें, क्योंकि अगर आप डीडीओ है तो आपको टाइम टू टाइम ये इंफॉर्मेशन दरकार होती है फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।